Indian football fans to FC Goa's coach Juan Ferrando after last night's game against Al Rayyan. By the way, Al Rayyan, despite being the biggest team as per market value, ek bhi match nahi jeet paya abhi tak group E mein, to unki halat kuch aisi hai. Another gritty performance by FC Goa. Just one mistake, one motherfucking mistake. एक गलती जिसकी वजह से साली विक्ट्री ड्रॉ में बदल गई. नेवरदलेस अच्छा परफॉर्मेंस था सभी प्लेयर्स के द्वारा, ग्रेट टीम एफर्ट. तो चलो अब टैक्टिकल एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं. मैच में कुछ इस प्रकार स्टार्ट किया था एफसी गोवा की टीम ने, जहां पर वो दिखे थे 4-2-3-1 के फॉर्मेशन में. पर ये फॉर्मेशन थ्रू आउट द मैच बदलता रहा, कभी वो बैक सिक्स हो गया, कभी वो फ्रंट फोर हो गया, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. तो जो प्राइम टैक्टिक था कोच जुआन फर्नांडो का, वो था कि विंग्स को या फिर कहूँ फ्लैंक्स को ओवरलोड किया जाए, खासकर राइट फ्लैंक को, क्योंकि उस तरफ ब्राहिमी खेल रहे थे अल रायन की तरफ से. और ब्राहिमी के बारे में एक डीमेरिट है कि वे एक अच्छे अटैकर तो है पर वो ट्रैक बैक नहीं करते. तो जब आप विंग्स जैसी पोजिशन पर खेलते हैं तो ट्रैक बैक करना भी इम्पॉर्टेंट है, पर ब्राहिमी नहीं करते ट्रैक बैक ज़्यादातर. इसलिए एक एडवांटेज था राइट साइड से एफसी गोवा की टीम को, और उसका पूरा फ़ायदा उठाया सेरेटन फर्नांडिस और अलेक्जेंडर रोमारियो जेसुराज ने, क्योंकि जो लेफ्ट बैक था अल रायन का वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आ गया, क्योंकि एक तरफ से रोमारियो जेसुराज थे और दूसरी तरफ से सेरेटन फर्नांडिस थे. तो एक को मार्क करो तो दूसरा आगे निकल जाए, दूसरे को मार्क करो तो पहला आगे निकल जाए, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रबल थी उसके लिए. तो बिल्डअप प्ले की अगर मैं बात करूँ तो बिल्डअप प्ले कुछ इस तरह था, जहाँ पर विंग बैक्स थोड़ा सा आगे पुशन कर देते थे, एडू बेदिया थोड़े से डीप आ जाते थे और पासेस निकालने की कोशिश करते थे अपने की प्लेयर्स के लिए. स्पेशली इन्होंने ज़्यादा फोकस इस मैच में जॉर्ज ऑर्टिस मेंडोज़ा पे किया, और बहुत सारे मैं कहूँ लॉफ्टेड पासेस गए एडू बेदिया की तरफ से जॉर्ज ऑर्टिस की तरफ. और क्यों ना जाए भाई, कल के मैच में ऑर्टिस मेंडोज़ा बहुत शानदार फॉर्म में थे. ऐसा लग रहा था कि आंद्रेस इनेस्टा और फर्नांडो टोरेस की जो आत्मा है वो इनके अंदर आ गई है. तो इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा ही कुछ था बिल्डअप प्ले, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेम्स टोनकी के पास बॉल है. बेशक इस समय एफसी गोवा की टीम डिफेंड कर रही है, पर पोजीशन अगर आप देखें सही तरीके से तो देखिए सैंसन देखिए कितने आगे हैं, फिर ब्रैंडन है, फिर ग्लेन है. एडू बेदिया के पास देखिए कितना स्पेस है, या तो ग्लेन को पास कर दे, या एक लॉफ्टेड बॉल आगे कर दे, या फिर एक शॉर्ट पास आइवन को कर दे. और आइवन के पास भी ऑप्शन है कि वे भी या तो लॉफ्टेड पास कर सकते हैं या शॉर्ट पासिस यूज़ कर सकते हैं अपने साथी खिलाड़ियों के लिए. प्लस आइवन एक अच्छे बॉल प्लेइंग डिफेंडर भी है, तो इसका भी एडवांटेज था एफसी गोवा की टीम को, और जिसका उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया. बेदिया का क्रिएटिविटी और आइवन का स्किल, ये काम आया बहुत ज़्यादा बिल्ड फ्रॉम द बैक वाले टैक्टिक में एफसी गोवा के. जो गोल आया एफसी गोवा का, उसका बिल्डअप कैसे था, तो थोड़ा सा मिडल ऑफ द पार्क में बॉल खेलने के बाद ब्रैंडन फर्नांडिस ने एक लॉफ्टेड बॉल भेजी जॉर्ज ऑर्टिस मेंडोज़ा की तरफ, और अपनी स्पीड और स्किल की वजह से जॉर्ज ऑर्टिस मेंडोज़ा ने उसे एक गोल में कन्वर्ट कर दिया. पर गाइस आप लोग एक चीज़ देखिए, इस स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि एक तरह से यहाँ पर एक फ्रंट फोर बन गई है, जहाँ पर रोमारियो है, जॉर्ज ऑर्टिस मेंडोज़ा है, ईशान पंडिता है, सैमसन परेरा है. तो इससे पता चलता है कि कितने बोल्ड माइंडसेट के साथ अपनी टीम को लेकर आए थे कोच जुआन फर्नांडो. और देखो गाइस, एक अल रायन जैसी लेवल की टीम के अगेंस्ट कितना बोल्ड होकर खेल रही थी एफसी गोवा, और गोल भी निकाला इस चांस पर, तो वो तो फिर सोने पे सुहागा था. तो जो प्राइम टैक्टिक था एफसी गोवा का वो ये था कि सेंट्रल चैनल को बिल्कुल टाइट रखा जाए और विंग्स के थ्रू अटैक किया जाए, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ज़्यादा डिसेंट टैक्टिक था, और कुछ हद तक काम भी आया एफसी गोवा के, क्योंकि ट्रबल तो किया एफसी गोवा ने अल रायन को. तो गाइस ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी, आपकी अगर कुछ और ऑब्जर्वेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना. So guys, that's it with the video. Until next time, peace out.